तो दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दोबारा नुपुर शर्मा बहन के केस पे, सो कॉल्ड केस पे, जो केस नहीं है, पूरी रियलिटी है। तो आप देखोगे कि जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद से जब इंडियन मुस्लिम जो गद्दार है, मोस्टली गद्दार है, जो सिर्फ इस्लाम के परे भी हैं और भारत माता के दुश्मन है, वो इस्लाम को एक धर्म मानते हैं, जो कि एक छोटी सोच है, जो एक कबीले की सोच है, उसको एक धर्म बनाना चाहते हैं। तो उस सोच के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से भारत की अस्मिता के खिलाफ है। और उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 58 से 57 जो इस्लामी कंट्रीज हैं, जिन्होंने अपने कंट्रीज से सारे के सारे माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से इरेज कर दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक ईरान ने पूरी पारसी कम्युनिटी को इरेज कर दिया। अफगानिस्तान, जिन्होंने पूरी हिंदू कम्युनिटी को इरेज कर दिया। बांग्लादेश, पूरी हिंदी कम्युनिटी को पूरी तरीके से वो इरेज करने वाली है। पाकिस्तान का तो बोलना ही मतलब बेकार है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज एक हो गए हैं। और सबसे सहरी बात यह है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जो सो कॉल्ड सैफरन पार्टी है, जो राष्ट्रभक्त पार्टी थी, जो धर्म भक्त पार्टी थी, इसका नाम था बीजेपी, उसने पूरी तरीके से नी डाउन कर दिया, मतलब घुटने टेक दिए हैं। भैया उसने साफ कह दिया कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप उसके स्टेटमेंट रीड करना। ईजी वे में ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरी तरीके से हार गई है। और ये भारत नेशन की बेइज्जती नहीं है, ये सिर्फ मोदी और बीजेपी की बेइज्जती है। जहाँ पे वो हार गए, ये वही बीच भी है जो बार बार यूरोप को नीचा दिखाना, अमेरिका को नीचे दिखाना, चाइना से तो डरते हैं, उन दोनों पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक तरह से सेकुलर नेशन है, वो क्यों भारत पे अटैक करेंगे। तो उनके खिलाफ बोलना बहुत आसान है। लेकिन कतर के सामने, जी हाँ कतर के सामने, लेबनान के सामने, ईरान के सामने घुटने टेकना, ये इससे बड़ा ड्रॉबैक, इससे बड़ा लॉस भारत और आर्यवर्त की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। तो इसे भी अगर आप सपोर्ट करते हो तो बात अलग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि ये आखिर ये क्यों हो रहा है। मतलब सेम वे में कहने का ये मतलब है कि क्या नुपुर बहन ने जो कहा है वो गलत कहा है, या इवन उसने प्रॉफिट की इंसल्ट कर भी दिए तो इससे हमारा लेना क्या देना। एक अकबरुद्दीन ओवैसी, ओबीसी का जो भाई है, वो माता सीता के बारे में भारतवर्ष में रह के अभी तक जिंदा रह गया, वो जिंदा रह गया। सबसे पहले जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो सच में सेक्युलर, जो बोलते हैं कि सारे धर्म एक हैं, सबसे पहले आप रोड पे आओ और बोलो कि श्री राम की गुस्ताखी में सर तन से जुदा कर दो, उस अकबरुद्दीन ओवैसी का सर तन से जुदा। आप उस सुअर के बच्चे ओवैसी का जो है वो सर काटो, पहले उस अकबरुद्दीन ओवैसी का सर काटो और प्रोटेस्ट करो कि उसने एक गलत बोला है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या गलत बोला है। और एक बात बताना दिल से, क्या आप सच में नुपुर ने गलत किया? अगर आप ये कहोगे, आपके क्लरिक्स ये बोलेंगे कि यार तुम तो रोड रोड पे शिवलिंग देख रहे हो, ऐसे तो हम ये भी बोल दे कि फ्रांस में तुम्हारे रोड रोड पे मोहम्मद को मारा जा रहा है, एक डॉगी से कंपेयर किया जा रहा है, अल्लाह को तो कुत्ते बराबर नहीं समझा जा रहा है फ्रांस में, तो तुम्हें एक बुरा नहीं लगेगा? तो हमारे जब शिवलिंग पे इस तरीके से अटैक किया जाएगा कि वो लिंग है कि वो है, पहली बात तो जो इस्लामिक जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके मन में सेक्स जो है वो बहुत दिलो दिमाग से भरा हुआ है, वो लिंग को देखते हैं कि एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देखते हैं, बट उनको ना अध्यात्म का पता है, ना ही उनको पता है कि लिंग का मतलब क्या होता है, उस बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इस डिबेट पे अभी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि ये अभी क्लोरिस्ट के साथ डिबेट नहीं हो रही है। मैं बस उन सेकुलर मुस्लिम से बोलना चाहता हूँ कि भैया अगर तुम नुपुर के बयान पे ना इतने दुखी हो ना, तो रोड पे निकलो, अभी निकलो और बोलो कि गुस्ताखे श्री राम के खिलाफ जिन्होंने उल्टा बोला उसका सर तन से जुदा, और सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का सर काटो, तभी तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। जो तुम ये रोड पे यूपी में करे जा रहे हो, जो ये दिल्ली में तुमने किया है, जो लखनऊ में किया है, ये जो कोलकाता के हावड़ा में कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिटी तो कभी आगे बढ़ी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं। जो तुम ये सपना देख रहे हो कि भारत को गजवाई हिंद बना देंगे, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ना बुन सके, बीजेपी ना बुन सके, बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना बुन सके, लेकिन आज का हिंदू नपुंसक नहीं है। वो जानता है कि हमें कम स्टैंड आउट लेना है। जिस दिन हम ये समझ गए कि सच में हमारे धर्म पे ये लोग कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहे हैं और इस देश को इस्लामिक राष्ट्र या एक भीमटा राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो उस दिन आप हम लोगों को देखोगे कि जब हिंदू सड़क पे निकलता है तो कौन सामने वाला बसता है। जिस दिन हम सड़क पे निकल गए, जिस दिन हमारे हाथ में फरसा हो, जिस दिन हमारे हाथ में तलवार हो, उस दिन कोई नहीं रहेगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ना लॉ रहेगी, ना कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आइए आप ही लोग हो, या आप ही वामपंथी प्लस रेडिकल मुस्लिम, या आप ही लोगों जो हम हिंदुओं के लिए पूरा जहर भर रखा है और हमारे अंदर अब सच में जहर भर चुका है। तो मेरी ये अपील है कि आप ये बताओ कि नुपुर बहन है, उन्होंने क्या गलत बोला है। उन्होंने एंगर वे में बोला है ना, एंगर वे का आप बोल सकते हो, चलो इसने पूरी इस तरह की सल्ट कर दी। मैं मानता हूँ कि आपके लिए एक मोहम्मद एक पवित्र पवित्र जो है वो पर्सन था, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है ना। आप खुद कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो, भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्टेड है। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी थी 12 साल पहले, आप ये तो देखो, और बाकियों की पॉपुलेशन कितनी थी।
तो आप पहले ये देखो कि आपको कैसा स्टैंड लेना है। आप इंडोनेशिया से क्यों नहीं सीखते, इंडोनेशिया में तो पूरा का पूरा सनातन कल्चर है, लेकिन आपको अरबी फॉलो करना है, आपको दाढ़ी उगानी है, आपको टोपा लगाना है, आपको अपनी लुल्ली पूरी पूरी आधी काट देनी है, यहाँ तक कि अब तो आपके ये सुन्नी मुस्लिम्स के लड़कियों में भी ये केस आ रहा है। तो भैया आप अरब के हो तब तो भारत के भी हो नहीं पाओगे ना। और अगर आप ये बोलते हो कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो सबसे पहले आप निकलो और सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का सर काट दो या कोई मुस्लिम उसका सर काट दे, तब हम मानेंगे कि हाँ आप लोग हमारे भाई हो। लेकिन एक लड़की जो है नुपुर शर्मा ने आपके हदीस को ही कोट किया, आप इतना बुरा मान गए। वैसे मैं ये जानता हूँ, वह सारे हिंदू जानते हैं कि आपका टारगेट नुपुर शर्मा नहीं है, आपका टारगेट ये बीजेपी सो कॉल्ड पार्टी नहीं है जिसको हम पार्टी नहीं बोलते, आपका टारगेट है ज्ञानवापी मामला जो कि आपको सहन नहीं हो रहा है, और उसको नुपुर शर्मा तो आपने ऐसी लपेटे में ले लिया। तो भैया आप अपनी मस्जिदें बनाओ, आप अपनी मस्जिदें कहीं भी बनाओ, बट जो सनातन धर्म के लिए आपके जो क्लरिक्स काम करते हैं, जो भारत में कितने संगठन हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, आप पहले उनके लिए तो निकलो और पहले खुद इंसान बनो, फिर हम सोचेंगे कि आपने किया क्या है। तो आज के वीडियो में मेरा मोटा मोटा यही कहना था सिंपल वे में कि भैया आप दिखाते तो हो कि हम बड़े वतन प्रस्त हैं, लेकिन जो आपकी जो सोच है वो एक इस्लामिक सोच है। आप अगर आप हदीस और इस कुरान को अगर आप भारत माँ से ऊपर मांगते हो, अगर आप इस सनातन धर्म से ऊपर मांगते हो, तो भाई आप इस देश को मानते ही नहीं हो ना, क्योंकि इस देश का कोई जमीन का मुद्दा नहीं है, जमीन का है कि भारत माता, सनातन वर्ष और वैदिक धर्म, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा तो भाई इस मिट्टी और इस पत्थर कोई काम नहीं है हमारे लिए। तो आपका ये खुद फर्ज बनता है कि सबसे पहले सनातन धर्म की इज्जत करो, उसके बाद देश, और उसके बाद जो भी आपका इस्लाम का जो भी एक सेकुलर फिगर है, थोड़ा बहुत तो सेकुलर है ही, तो उस जो भी उसका अच्छापन है उसको फॉलो करो। लेकिन नहीं, आप तो रेडिकल इस्लाम को फॉलो करोगे जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। तो भैया अगर आप वो फॉलो करोगे और अगर हम जैसे हिंदू से आप ये एक्सेप्ट करोगे कि हम भाईचारा नहीं, भी हम भाईचारा नहीं, हम चारा आपको बना लेंगे उल्टा है हम, तो आप पहले खुद प्रोटेस्ट करो भाई कि आपके लोगों ने क्या क्या गलती की है, आपके लोगों ने क्या क्या गलती की है, उसके बाद देखा जाएगा। नुपुर बहन ने तो कुछ गलती नहीं किया। जितने भी मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, चाहे आप इंस्टा पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे आप कहीं भी हो, ट्विटर पे हो, कहीं भी हो, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, पिछली वीडियो में 2000 व्यूज आ गए नुपुर शर्मा के ऊपर, इस पे भी इतने आएंगे, जितने मेरे हिंदू भाई हैं, जितने मेरे मुस्लिम्स भाई हैं ना वो सच में सेकुलर, तो बोलो आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। तो अगर इतना कर सकते हो गाइस कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, और इस गवर्नमेंट पे कैसे भी प्रेशर बनाओ, चाहे छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों जय श्री राम, इतना ही बोलना था मेरे को आज। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है, मचंड का तू भक्त है, ये युद्ध का ही वक्त है, वो शेष तक जो रक्त है अधर्मियों का प्राण लो, जहाँ माँ दुर्गा पूजा हो वहाँ न धर्म दूजा हो, जो बोल शिव से ऊंचा हो वो सर ही धर से काट दो, अधर्मियों को